बात करते हैं भोपाल की, जहां से भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को शुक्रवार रात करीब 1:30 बजे जान से मारने की धमकी भरा फोन आया। आरोपी ने दाऊद इब्राहिम का भाई इकबाल कास्कर का आदमी बताया। फोन पर धमकाते हुए उन्हें बोला गया कि तुम्हारी हत्या होने वाली है, सूचना देनी थी तो दे दी। वो इसकी जानकारी एडवांस में दे रहा है। वहीं साध्वी ने हत्या का कारण पूछा तो आरोपी बोला कि जल्द ही पता चल जाएगा। इस पर साध्वी बोले कि जब मर जाऊंगी तो पता कैसे चलेगा, तुम तो मेरी हत्या कर दोगे, पहले ही बता दो। आरोपी ने धमकाते हुए कहा कि मुसलमान पर जहर उगलना, मुसलमान को टारगेट बनाना, मुस्लिम से बैर करना, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, हमारा आदमी जब मारेगा तो बताएगा कि क्यों मारेंगे, सामने आकर मारेंगे। साध्वी ने कहा कि दम है तो सामने आकर दिखा। मामले में सांसद ने बताया कि करीब रात में 1:30 बजे भाजपा कार्यालय से वो घर लौटी थी और इसी दौरान अनजान नंबर से कॉल आया, जहां आरोपी ने खुद को इकबाल कास्कर का आदमी बताते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी दी। आरोपी ने अपने बारे में कोई जानकारी नहीं दी। उनके इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर चला कि साध्वी धरने पर बैठ गई है। हालांकि उन्होंने इसका खंडन किया। इससे पहले प्रज्ञा को अश्लील वीडियो कॉल किए जाने का मामला भी सामने आया था। कॉल पर लड़की ने कपड़े उतारना शुरू किया था। प्रज्ञा ठाकुर ने वीडियो कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था, जिसके बाद आरोपियों ने वीडियो रिकॉर्डिंग बेचकर रुपए मांगे थे। आरोपी ने भाजपा सांसद को जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि अगर रुपए नहीं दिए तो वीडियो वायरल कर दूंगा। सांसद प्रज्ञा ने टीटी नगर पुलिस से मामले की शिकायत की थी। बाद में आरोपी राजस्थान से पकड़े गए थे। इकबाल कास्कर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का भाई है। 2017 में दर्ज किए गए 3 केसों की वजह से वो जेल में है। ये केस जबरन उगाही से जुड़े हैं। कास्कर पर मकोका लगी है। भाई दाऊद इब्राहिम के साथ मिलकर डी कंपनी चलाने का आरोप है। कहा जाता है कि कास्कर डी कंपनी के अवैध धंधों को मुंबई में देखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट न्यूज। तुम्हारी हत्या होने वाली है, तुमको सूचना देनी थी, हमने दे दी। तुम्हारी इतनी औकात है तो तुम सामने आके बोल दो ना भैया। इकबाल कास्कर कौन है, ये कहाँ के हैं? देख लो मैडम, आपको मालूम पड़ेगा। अरे हैं कहाँ के कास्कर, ये तो बता दो। हमारी हत्या करोगे, क्यों करोगे भैया, क्या कारण है बताना जरा, क्या कारण है? रिएक्शन का रिएक्शन देख लेना, उसके बाद बात करना हमसे, ठीक है? अरे मैं कह रही हूँ कि कारण क्या, हत्या तो चलो कर देना, कोई बात नहीं, तुम्हारी बच जाएगी, तुम हमारी कर दो, कारण क्या है ये बताओ। मुसलमान के ऊपर जहर उगलना, मुसलमान को टारगेट बनाना। अच्छा, और मुसलमान क्या करते, अमृत बरसाते हैं? मुसलमान अमृत बरसाते हैं? हमने क्या कहा जिसके लिए तुम्हें तकलीफ हो गई? क्या कहा जिसके लिए तकलीफ हो गई? उसके बाद आपको मालूम पड़ेगा। अरे हमें कहाँ से मालूम पड़ेगा, तुम तो हमारी हत्या कर दोगे। हम तुमको सूचना देनी थी, दे दिए, ठीक है? अरे सूचना, अरे भाई जरा दम रखते हो तो कचल कतल तो कर देना, कोई बात नहीं, वो तो तुम्हारा धर्म है, ठीक है? अब मुझे ये बता दो कि काय चीज की तकलीफ हो गई तुम्हें? मार दोगे तो हमें फिर कैसे पता चलेगा, जिंदा है तब तक बता दो, बता दो। हमारा जो आदमी मारेगा वो आदमी हमको तुम्हारा को बताएगा, ठीक? अरे तो वो तो हम मर जाएंगे, फिर कैसे बताएंगे? नशे में बोल रहे हो क्या है? नशे में हम क्यों बोलेगा, नशे में तुमको तुम्हारी हत्या होने वाली है, तुमको सूचना देनी थी, हमने दे दी। तुम्हारी इतनी औकात है तो तुम सामने आके बोल दो ना भैया। भाई मारने ही वाले हो तो सामने आके बोलो, जिगरा है तो जरा सामने बोलो। मारते हो सामने आके मारेंगे तुमको, जब देखना जिगरा है क्या है। तुम्हारे अंदर जिगरा होता तो सामने आके बोलते, समझे? फालतू की बात करना नहीं, सामने आके मार। अरे चुप बे,